दिलीप जोशी ने अनजान कॉलर को कहा शुक्रिया, बोले इससे पता चला कि कितना चाहते हैं लोग। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के किरदार में नजर आने वाले दिलीप जोशी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल ये खबर सामने आई थी कि उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले ही ये खबर सुर्खियों में आई कि एक अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके ये बताया है कि दिलीप जोशी के घर के बाहर 25 हथियार बंद आतंकवादी खड़े हैं और उनके घर को बम से उड़ाने की बात की जा रही है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई थी और पुलिस ने ये पता लगा लिया कि वो कॉल स्पूफ कॉल था और खबर पूरी तरह से गलत थी। तो अब इसी विषय पर दिलीप जोशी का बयान सामने आया है। दिलीप जोशी ने उस कॉलर को धन्यवाद कहा है जिसने इस तरह की अफवाह फैलाई और ये कहा है कि ऐसे में मुझे ये पता चला कि लोग मुझे कितना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर तेजी से फैली, दिलीप के चाहने वाले, दिलीप के दोस्त और दिलीप के परिवार के दूरदराज के लोग उन्हें फोन करके उनका हालचाल लेने लगे। तब दिलीप ने सभी को बताया कि यह खबर पूरी तरह से अफवाह है और एक मीडिया इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने इस बात का खुलासा किया है कि यह खबर पूरी तरह से गलत थी, लेकिन इस वजह से उन्हें यह पता चला कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। दिलीप जोशी ने इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया हो तो इस तरह की बात निकले, ये बिना सिर पैर वाली खबर थी। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस को फोन जरूर आया था, लेकिन जिस अनजान शख्स ने यह खबर फैलाई, यह खबर पूरी तरह से एक अफवाह थी। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।